सब्सक्राइब कीजिए एवरीथिंग गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट साइंटिफिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग गुरुजी में। मैं ओमकार रत्नानी आज आपको बताने वाला हूँ जूम क्लाउड मीटिंग के बारे में, तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। कोरोना के इस पैंडामिक को खत्म करने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है कि उन्होंने अभी 21 डेज का लॉकडाउन किया है, और अभी की सिचुएशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है। एंड इसके कारण जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, आपका बिजनेस है, या आप जो है कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और आपकी सारी मीटिंग्स जो कैंसिल हो रही हैं, तो अब तो वर्ल्ड इतना डिजिटल हो चुका है, तो डिजिटली हमें इसको यूज करना है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा मोस्ट यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो है वो है जूम ऐप। तो जूम ऐप में बेसिकली होता क्या है, जूम ऐप एक ऐसा ऐप है जो वीडियो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराता है, और जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एंड आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या आप अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फाइल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड उसमें आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, जैसे कि आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर की, तो लैपटॉप में अगर आपने बुक का PDF या अपनी जो भी बुक है उसको खोल दिया, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड आपकी जैसे बिजनेस मीटिंग चल रही है, तो आप अपना जो भी PPT है, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, वो उसमें दिखा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर जूम ऐप को यूज कैसे किया जाता है। गाइस, हम आपको अभी बताने वाले हैं कि आखिर हमें जूम को यूज कैसे करना है। उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना रहेगा। गूगल क्रोम पे जाके आप यहाँ पे सर्च कीजिए जूम क्लाउड मीटिंग्स। ओके, आपको यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे ये फर्स्ट वाले लिंक है जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब कॉन्फ्रेंसिंग, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। एंड कुछ इस तरह का आपका एक पेज आएगा, इस पेज में आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए या तो आप अपना यहाँ से साइन अप कर सकते हैं अगर आपके पास आईडी नहीं है, या तो आप गूगल या फेसबुक अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम गूगल से साइन इन करते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह का आपका एक इंटरफेस आएगा। इसमें अगर आपको मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो यहाँ से आप स्टार्ट टाइम मतलब अपने हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपना टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड फिर मीटिंग आईडी जो है वो आपको बाद में मिल जाएगी। फिर आपका यहाँ पे ये जैसे ये शेड्यूल है मीटिंग, फॉर एग्जाम्पल हम अभी एक मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये माई मीटिंग का एक ऑप्शन आ रहा था, आप इसमें लिख सकते हैं जैसे आपकी मीटिंग जो भी टॉपिक पे है, जैसे मैं लेता हूँ अगर एथिकल हैकिंग पे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ओके, एंड यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, या आपका ऑप्शन XYZ जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली टाइम डेट सब कुछ सिलेक्ट करना रहेगा, तो आप कब की मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे कि आप आज की चाहते हैं, आज जैसे 1st अप्रैल है फॉर एग्जाम्पल, 1st अप्रैल मंथ ये। ओके, यहाँ से आप डन कर लीजिए 4/1/2020, एंड उसके बाद आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लीजिए तो कितने बजे की मीटिंग रखनी है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 1 PM की रख ले रहा हूँ, एंड आपको ड्यूरेशन क्या रखनी है। ठीक है, तो अभी अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे तो आपको 40 मिनट्स की ट्रायल लिमिट मिलेगी, ये देखिए 40 मिनट्स की ट्रायल लिमिट मिलेगी। अगर उससे ज़्यादा आपको करना है तो आपको उसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा चार्जेबल है। टाइम जोन इसका यही रहने दीजिए, एंड मीटिंग आईडी जो है या तो आप अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी यूज कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। फिर उसके बाद रिक्वायर मीटिंग पासवर्ड कर दीजिए, और आपका जो भी पासवर्ड है यहाँ पे आ जाएगा, या आपका जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा उसमें आ जाएगा। एंड उसके बाद वीडियो किसका किसका रहेगा, क्या रहेगा,
एंड वो यहाँ पे आपका आ जाएगा एंड ऑडियो आपकी टेलीफोन रहेगी कि कंप्यूटर कंप्यूटर ऑडियो रहेगी कि बोथ रहेगी। तो जैसे हमने अभी रखा है बोथ, मतलब आप अपने कंप्यूटर से भी उसमें बोल सकते हैं या तो आप अपने उनको जो भी आपके साथ है उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में रह के उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपके मीटिंग ऑप्शन है, ये देखिए ये आपके कुछ मीटिंग ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद आप अगर सेव करते हैं तो आपकी एक मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी, तो आप जब भी चाहें इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने अगर कर दिया स्टार्ट अ मीटिंग एंड मैं अगर अपने दूसरे किसी फ़ोन से या किसी भी दूसरे डिवाइस से अगर मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, तो जैसे आप लॉग इन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मैं कर रहा हूँ इसे ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, यू आर यूजिंग द कंप्यूटर ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एंड ये हमारी URL है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं एंड अब यहाँ पे हम लोग के पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, ज्वाइन ऑडियो, स्क्रीन शेयर और इनवाइट मैसेज। और जैसे आपको किसी को अगर इन्वाइट करना है तो यहाँ पे एक इन्वाइट का ऑप्शन आए, तो हम अभी एक अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किसी एक अपने फ्रेंड को ज्वाइन किया, हम उसे चैट कर सकते हैं आस्क टू स्टार्ट वीडियो, मतलब वो अपना वीडियो स्टार्ट करें, हमने उनसे पूछा है कि वो अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहेगा। हम उसके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर में हम उसके साथ वाइट बोर्ड करते हैं एंड शेयर करते हैं। तो जैसा जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सब उसके जो भी डिवाइस यूज कर रहा है उसमें लिखा हुआ चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने बाजू में एक स्क्रीनशॉट डाला है एंड फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन भी रहेगा, म्यूट ऑल या अनम्यूट ऑल। तो ये जो स्क्रीन है ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, अभी ये जो आपको साइड पे दिखती है ये दूसरे फोन की स्क्रीन है, यहाँ से आप अपना टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। अब जो चाहे वो अपना यहाँ से टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके आप यहाँ पे जैसे आपको बॉक्स बनाना है किसी बॉक्स को समझाना है आप बॉक्स ड्रॉ कर लिए एंड उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल पेंसिल पे चले गए, पेंसिल पे जाके आपने लिख दिया। ये अभी हम लोग माउस से लिख रहे हैं, आप चाहे अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं या तो आप इसको किसी भी एक्सटर्नल राइटिंग पैड से कर सकते हैं एंड ये हो गया आपका स्क्रीन शेयर वाइट बोर्ड वाला। अब हम दूसरा दिखाते हैं स्क्रीन शेयर में ही आईपैड और आईफोन वाला। तो उसके लिए आपको अपना आईपैड या आईफोन की जो स्क्रीन है उसको प्लग इन करना पड़ेगा। तो मैं अभी अपने आईफोन की स्क्रीन को अगर प्लग इन करता हूँ तो कुछ इस तरह का आपको एक इंटरफेस मिलेगा एंड उसके बाद आपको अपने आईफोन में ये देखिए कुछ इस तरह की आप इसमें स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं एंड एंड आप यहां से किसी और को इनवाइट। गाइज उसके बाद आप यहाँ से अपनी मीटिंग को एंड कर सकते हैं, ये आपने एंड मीटिंग की, यहाँ पे आपको आपके पास ऑप्शन रहेगा लीव मीटिंग या एंड मीटिंग फॉर ऑल। तो अभी मेरे को पूरी की पूरी मीटिंग एंड करनी है तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंड मीटिंग फॉर ऑल। दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, होप यू एंजॉयड द वीडियो। If you have any queries, feel free to ask in the comment section below.